हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे पनीर पॉपकॉर्न की रेसिपी, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिया पनीर चॉप्ड और इसके साथ साथ मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच लगभग जिंजर गार्लिक का पेस्ट। आप जिंजर पाउडर या फिर गार्लिक पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, साथ ही साथ डालूंगी मैं यहाँ पर 1/2 चम्मच लगभग लाल मिर्च पाउडर। आप कश्मीरी लाल मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम डालेंगे इसमें रोस्टेड जीरा पाउडर, वो भी मैं 1/2 चम्मच यूज़ कर रही हूँ। अब डालेंगे यहाँ पे ब्लैक पेपर पाउडर, आप क्रश करके ब्लैक पेपर को यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ डालेंगे आमचूर पाउडर, सॉल्ट एज पर टेस्ट। सारे इंग्रेडिएंट्स को पनीर के साथ अच्छे से कंबाइन कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे। देखिए बिल्कुल इस तरह मैं कंबाइन करके पनीर को साइड रख लूँगी। तो हमारा पनीर साइड रख लेते हैं, अब चलिए बनाते हैं स्लरी। तो सबसे पहले मैंने लिया बाउल, इसमें डालूंगी कॉर्नफ्लोर। तो मैं यहाँ पे 1.5 कप कॉर्नफ्लोर यूज़ कर रही हूँ। आप कॉर्नफ्लोर की जगह मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ डालेंगे यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर, आप कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। अब डालेंगे ब्लैक पेपर पाउडर 1 चम्मच लगभग और सॉल्ट एज पर टेस्ट। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने कंबाइन करने के लिए हम यूज़ करेंगे पानी। तो यहाँ पे मैं थोड़ा पानी यूज़ कर रही हूँ, ये लगभग 1/2 कटोरी है। अब इन सारे चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। आपको एकदम फ्लोई कंसिस्टेंसी का स्लरी प्रिपेयर करना है। देखिए लम्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए, देखिए बिल्कुल इस तरह आपका स्लरी बन के रेडी हो जाएगा। अब आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप। तो सबसे पहले मैं लूँगी पनीर का क्यूब, इसको मैं डिप करूँगी हमारा जो मसाला कॉर्नफ्लोर का स्लरी है उसमें, और उसके बाद मैं डालूँगी ब्रेड के क्रम्स में, ठीक है। और इसे मैं अच्छे से एक बार मिक्स कर लूँगी, हमारा एक कोट बन के रेडी हो जाएगा। अब मैं फिर ये प्रोसेस रिपीट करूँगी, मतलब हमारा पनीर जो ब्रेड क्रम्स में डाले थे ना, उसको मैं डालूँगी स्लरी में, स्लरी से निकाल के फिर से मैं डालूँगी इसे ब्रेड क्रम्स में। तो इससे हमारा जो ब्रेड क्रम्स का और स्लरी का कोट है वो डबल हो जाएगा, और इसे हम रख लेंगे साइड में। सेम प्रोसेस में पनीर के साथ करूँगी और इसे रेडी कर लूँगी, देखिए बिल्कुल इस तरह। अब तेल को गर्म करेंगे और सारे पनीर के जो पीसेस हैं ना, क्यूब्स हैं ना, उसे मैं डीप फ्राई करूँगी हॉट ऑयल में, जब तक इसका कलर ब्राउन नहीं हो जाता। इसे मैं दोनों साइड कुक करूँगी जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता, और जैसे ही गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो मैं इसे प्लेट में निकालूँगी। इस प्रोसेस में आपको कम से कम 10 से 15 मिनट लग जाएगा अगर आप लो फ्लेम में कुक कर रहे हैं। आप लो फ्लेम में कुक कीजिएगा क्योंकि ये क्रिस्पी बनेंगे, देखिए बिल्कुल इस तरह। देखिए हमारा पनीर बहुत ही क्रिस्प और गोल्डन बना है। तो चलिए इसे एक एक करके निकाल लेते हैं और चलिए सर्व करते हैं। आप इस पनीर पॉपकॉर्न को सॉस के साथ, केचप के साथ या फिर टी टाइम भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है।